एक ना बचपन में संस्कृत का श्लोक याद किया, उसने मुझे लाइफ के क्रिटिकल सिचुएशंस में बहुत मदद की है। ये ना भागवत गीता से, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस समझाऊंगा, बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, यो न हरिशति न द्वेषति न शोचति न कामनशति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः सर्वे प्रियः। वो इंसान जो बहुत ना ज़्यादा खुश हो जाता है ना बहुत ज़्यादा दुख मनाता है, वो इंसान जो बहुत ज़्यादा कामनाएं हैं ना बहुत ज़्यादा जो शोक में डूबा हुआ है, जिसने शुभ और अशुभ को भी हटाकर सिर्फ कर्म करने पे विश्वास डाल दिया है, वो इंसान भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है। तो ना अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना आप इसको समझ कर देखना, ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कि देखो, जैसे मान लो आपने वीडियो बनाया, वीडियो बना के ना आपकी इच्छा रहती है कि व्यूज़ आ जाएँ, उसके बाद मान लो पेपर दिया, आपका मन लगा रहता है कि अच्छा रिजल्ट आ जाए, एंड आपने मान लो प्रोडक्ट बनाया, आपका मन लगा रहता है बिक जाए, क्योंकि ना हमें लगता है कि अगर जो आउटकम रिजल्ट अच्छा होगा तो ही हम औसम हैं, अगर व्यूज़ ही नहीं आए, प्रोडक्ट नहीं बिका, पेपर ही सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं औसम नहीं हूं। कि मैंने खुद की जो अपनी आइडेंटिटी, खुद की एग्जिस्टेंस मैंने अपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के साथ अटैच कर दिए। भगवान कहते हैं उसी से ही एक बार खुद को डिटैच करके देखो, प्रोसेस में जो टास्क उठाया हुआ है उसमें पूरी जान लगा कर देखो, शुभ अशुभ सबको छोड़ दो और जुट जाओ पूरा उसमें, एंड वो कह रहे हैं आप तभी शायद मेरे प्रिय बन जाओगे। रिजल्ट तो बाद में जो आएगा वो दिखी जाएगी।